शूर्पणखा। पंचवटी के अपने आश्रम में रामचंद्र सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर अकस्मात रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमलनयन तथा नीलांबुज सदृश शरीर की कांति को चकित होकर देख रही थी। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटिप्रदेश एवं उदर क्षीण था किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल एवं मनोहर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप तथा डरावनी थी। राम की वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरवनाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स एवं विकराल था। उन्हें देखकर उसके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये बातें परस्पर विरोधी हैं। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता हैं। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। संसार में शायद ही कोई वीर ऐसा होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समरभूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः तुम मेरे पति बन जाओ, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्काते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुन शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ। अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो, इसलिए पहले मैं इसे ही मार कर समाप्त किए देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी।
इतना कहकर प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परतापूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्टा राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुल्टा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची और घोर चीत्कार करके उनके सामने गिर पड़ी।